नमस्कार, मैं हूं सकीना और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। आइए डालते हैं आज की इस ताज़ातरीन खबर पर एक नज़र। उत्तर प्रदेश में पिछले दिनों कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते लगाए गए लॉकडाउन में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज द्वारा हाईस्कूल और इंटर की परीक्षाओं में छात्रों को प्रमोट किया गया है। छात्रों के प्रमोशन की इस प्रणाली में विद्यालय से बोर्ड ने गत वर्ष की अर्धवार्षिक परीक्षा एवं वर्तमान वर्ष के प्री बोर्ड परीक्षा का परिणाम मांगकर छात्रों का अगली कक्षा में प्रमोशन किया है, लेकिन इंटरनेट पर रिजल्ट प्रसारित करते समय हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के बहुत से छात्र ऐसे हैं जिनके अंक तालिका में विषय के सामने अंक प्रदर्शित नहीं किए गए हैं। रिजल्ट के स्थान पर प्रमोट प्रदर्शित किया गया है, जिससे छात्रों में आक्रोश व्याप्त है। जनपद ललितपुर में राजकीय इंटर कॉलेज के इंटरमीडिएट के 800 से ज़्यादा छात्र ऐसे हैं जिनके अंक तालिका में अंक प्रदर्शित नहीं किए गए हैं। इस संबंध में छात्रों ने NSUI के नेतृत्व में जिला अधिकारी को धरना प्रदर्शन के माध्यम से अवगत कराया था, किंतु कोई सुनवाई नहीं हुई। और अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज ने एक फरमान जारी कर दिया है, जिसमें कहा गया है कि ऐसे छात्र 18 सितंबर 2021 को प्रस्तावित स्कीम के तहत परीक्षा दे सकते हैं। बोर्ड के इस तुगलकी फरमान से ही इंटरमीडिएट के छात्रों में आक्रोश है। इसी समस्या को लेकर आज NSUI के जिला अध्यक्ष ऋतिक शुक्ला मोंटी के नेतृत्व में सैकड़ों छात्र ललितपुर के घंटाघर पर नगरपालिका परिषद ग्राउंड में धरना प्रदर्शन पर बैठ गए हैं। इंटरमीडिएट के छात्रों का कहना है कि राजकीय इंटर कॉलेज ललितपुर प्रशासन ने इंटरमीडिएट के परीक्षार्थियों का सही रिकॉर्ड बोर्ड को भेजने में गलती की है, जिसका खामियाजा छात्र क्यों भुगते। वहीं UP बोर्ड के फरमान का भी विरोध करते हुए छात्रों ने कहा है कि अगर परीक्षा करानी है तो इंटरमीडिएट के समस्त छात्रों की कराई जाए, इस प्रकार सौतेला व्यवहार ना किया जाए। छात्रों ने यह भी कहा कि अगर समय से पहले उनके परीक्षा परिणाम में संशोधन नहीं किया गया तो उन्हें कॉलेज में एडमिशन लेने में काफ़ी दिक्कतें सामने आएंगी। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए ललितपुर से नासिर मीडिया की रिपोर्ट। बात को लेकर घंटाघर पर बैठे हो, क्या है मामला पूरा? GIC इंटरमीडिएट के छात्र पिछले 20 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। हम लोग जब कलेक्ट्रेट में धरना पर बैठे हुए थे, 15 तारीख तक का आश्वासन दिया गया था कि आपकी अंक तालिका पर अंक चढ़ जाएंगे, लेकिन अंक तालिकाओं की अंक प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं। छात्र आंदोलित हैं। हम लोग के लिए एक 16 तारीख को आराधना शुक्ला द्वारा एक तुगलकी फरमान दिया गया छात्रों के लिए कि आपको परीक्षा देनी होगी, तभी आपकी अंक तालिकाओं पे अंक आएंगे। ये परीक्षा 18 सितंबर से 6 अक्टूबर तक चलेगी और हमारा आकलन है कि नवंबर में इसका रिजल्ट आएगा। नवंबर में छात्र प्रवेश लेने के लिए कहाँ बटेगा जब तमाम विश्वविद्यालयों के प्रवेश बंद हो जाएंगे। ऐसे आदेश का हम लोग खंडन करते हैं और विरोध करते हैं और इस आदेश की प्रतियाँ जला के हम लोग विरोध करते हैं। अगर आगे भी अगर मान लीजिए उनने सुनवाई नहीं की तो किस तरीके से आप लोग परीक्षा करवाना चाहेंगे और कैसे जो है परीक्षाओं में बैठना चाहेंगे? अगर परीक्षा हो तो उत्तर प्रदेश बोर्ड के पूरे प्रदेश में समस्त छात्रों के नहीं तो किसी छात्र के साथ दोहरा व्यवहार और भेदभाव ना किया जाए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट न्यूज के वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन